तो हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म इज़ वेरी इजी स्टेप है ना, तो हम लोग कल फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले तो हमारा जीमेल अकाउंट में भी ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप गूगल से भी जा सकते हैं। गूगल से जाना हो तो आपको गूगल पे लिखना पड़ेगा, गूगल ओपन कीजिए, यहाँ पर लिखिए गूगल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर गूगल फॉर्म लिख कर आप क्लिक करते हैं, ये आता है सबसे पहले। तो यहाँ पर गूगल फॉर्म लिख कर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए मुझे लिंक मिल गया डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फ्री ऑनलाइन सर्वे है ना, सर्वे वगैरह सबके लिए आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गूगल फॉर्म पर क्लिक किया, या तो ये स्टेप है, या फिर दूसरा क्या रहता है कि जब हम लोग हमारा जो मेल वगैरह रहता है, तो यहाँ पर ये जो 9 डॉट्स दिखे हैं इस पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट गूगल फॉर्म में जा सकते हो। सर कुछ दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, बस व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ये दिख रहा है। ठीक है, अभी देखिए, अब दिख रहा है ना गूगल फॉर्म। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट क्या किया कि मेरा जो ईमेल ओपन था, यहाँ पर ये मेरा ईमेल ओपन था, तो यहाँ पर मैंने यहाँ से जो मेरा ईमेल था इस मेल पर गया मैं, और मेल पर जाकर मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये 9 डॉट है, इस डॉट के ऊपर मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर देखिए क्लिक करूँगा तो ये जो गूगल की ऐप है, गूगल ऐप है ना, इसमें सब गूगल ऐप है। तो या तो मैं यहाँ से भी गूगल फॉर्म पर जा सकता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है गूगल फॉर्म, ठीक है, ये नीचे सबसे नीचे देखिए ये फॉर्म से दिख रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, सेम लिंक ओपन होगी। या सेकंड वे, यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे तब भी आप वहीं जाएंगे, और नहीं तो फिर आप यहाँ से जो गूगल है इस पर आप जाकर डायरेक्ट गूगल कीजिए, और गूगल पे लिखिए गूगल फॉर्म्स है ना। अगर आपका लॉगिन है तो ये भी गूगल फॉर्म के लिंक पर ले जाएगा। तो यहाँ पर गूगल फॉर्म से इस पर भी क्लिक करेंगे तो सेम लिंक ओपन होगी आपको, ठीक है। तो ये मैंने ओपन किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ओपन किया, यहाँ पर देखिए गो टू गूगल फॉर्म, तो गो टू गूगल फॉर्म पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने गो टू गूगल फॉर्म किया, ठीक है, यहाँ पर गो टू गूगल फॉर्म किया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल, अगर मान लो आपका मेल से लॉगिन नहीं है तो ठीक है, अगर मेल से लॉगिन है तो आप डायरेक्ट यहाँ आपके अकाउंट में चले जाएंगे, और लॉगिन नहीं है तो फिर आपको लॉगिन करना रहेगा, और गूगल से ही आपको जीमेल का ईमेल आईडी और पासवर्ड लगता है। अब इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म बना सकता हूँ मैं, मुझे अगर जो अभी क्यूज टाइप आते हैं क्यूज टाइप बनाना है तो वो भी बना सकता हूँ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी की लेना है तो वो भी बना सकता हूँ। तो सिंपल सा पहले हम लोग देखते हैं ब्लैंक फॉर्म बनाकर है ना, फिर उसके बाद क्यूज वगैरह देखेंगे। तो पहले ब्लैंक फॉर्म बनाए, तो ब्लैंक फॉर्म बनाया तो मैं सपोज करो यहाँ से ले रहा हूँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन्फो है ना, ये कॉन्टैक्ट इन्फो करके दिया, मेरे फॉर्म का नाम भी मैंने रखा कॉन्टैक्ट इन्फो करके रख दिया। और यहाँ पर मुझे लेना है सबसे पहले, अगर हम किसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो क्या लेते हैं, नेम, नेम इज ऑल्सो ए शॉर्ट आंसर टाइप रहता है, इसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड कर दिया, इसका मतलब ये कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रहेगा, ठीक है। फिर सेकंड में यहाँ पर ऐड करता हूँ मोबाइल नंबर है ना, ये भी मैं शॉर्ट आंसर ले लेता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, मैंने ये रिस्ट्रिक्ट किया। और एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ईमेल है ना, किसी का ईमेल आईडी रहता है किसी का नहीं रहता तो अपन इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया मैंने, ठीक, चाहूँ तो मैं यहाँ पर सेटिंग कर सकता हूँ इसकी सभी की रिस्ट्रिक्शन करके है ना। यहाँ पर भी हम लोग डिस्क्रिप्शन इसका लिख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन, जैसे किसी को समझ में नहीं आया कि ये काय के लिए है तो भैया पुट योर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस यहाँ पर अपन डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो यहाँ पर भी इसका मोबाइल नंबर का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं है ना, कि फॉर शेयरिंग डेटा है ना, हमें काय के लिए चाहिए आपका मोबाइल नंबर फॉर शेयरिंग डेटा है ना, ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको देना है। जैसे कोई ऐसा फील्ड है जो किसी को समझ में नहीं आता वो क्या करेगा, तो आप यहाँ पर उसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने डेट ऑफ बर्थ, ऑफ बर्थ है ना, वो डेट ऑफ बर्थ लिख के यहाँ पर आप डेट वाला कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट वाला कॉलम सिलेक्ट कर दिया, फिर मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया, जो भी करना है मुझे, मैंने नेक्स्ट एक और फील्ड लिया है ना। ये तो अभी मैं जस्ट अब मल्टीपल चॉइस वाला ले रहा हूँ, जैसे मल्टीपल चॉइस में लिया मैंने कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी लिया, तो कैटेगरी में मुझे मल्टीपल चॉइस देना, तो जैसे यहाँ पर दिया मैंने जनरल, यहाँ पर दिया मैंने ओबीसी, यहाँ पर दिया मैंने एसटी,
फिर दिया एससी है ना, या लास्ट दिया अदर। अब इसको देखना, ये वाला जो फील्ड है ये, इस फील्ड में क्या करना है, हमें आपको ड्रॉप डाउन देना है या सिलेक्शन देना है, तो जिसे मैंने ड्रॉप डाउन दिया या मल्टीपल चॉइस देना है, जो भी आपको सिलेक्ट करना हो यहाँ से करना, तो मैंने इसको ड्रॉप डाउन दिया, तो ड्रॉप डाउन में कैसे दिखेगा वो भी अपन आगे देखते हैं। फिर एक फील्ड और लेते हैं अपन, यहाँ से मैंने इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फिर एक फील्ड और लेता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर लेता हूँ मैं हॉबी, या यहाँ पर रहता हूँ क्लास, क्लास ले लेता हूँ है ना, या सेमेस्टर ले लेता हूँ, सेमेस्टर, सेमेस्टर ले लेता हूँ। तो सेमेस्टर में मैं यहाँ पर देता हूँ मुझे मल्टीपल चॉइस देना है, तो मल्टीपल चॉइस में मेरे को हॉबी ही लेना पड़ेगी, तो अपन एक काम करते हैं, चलो चेक बॉक्स ले लेते हैं, और चेक बॉक्स में यहाँ पर देते हैं हॉबी, हॉबी दी, और हॉबी में दे दिया मैंने क्रिकेट, ठीक है, बुक रीडिंग, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वॉचिंग मूवीज, हाँ जो भी अपने को देना है वो सारा दे दिया, वो मैंने चेक बॉक्स दे दिया ना, एंड अदर कर दिया यहाँ पर अदर, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको चेक बॉक्स दे दिया, ठीक है, इसका क्या पर्पस है वो भी देखेंगे। देखिए सब दूर अलग अलग कर रहा हूँ, यहाँ चेक बॉक्स लिया मैंने, यहाँ ऊपर मैंने ड्रॉप डाउन मेनू लिया था, यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन लिया था, और यहाँ पर मैंने डेड लिया है ना, एक एक करके अपन सारी चीज़ यूज़ करते जा रहे हैं। और एक और अपन लेते हैं यहाँ पर फील्ड, एक और ऐड करते हैं, इसमें अपन एक फील्ड और ऐड करते हैं, और इसमें देते हैं यहाँ पर हॉबी की जगह, अब मुझे चेक बॉक्स हो गया मेरा मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस के लिए एक और ले लेता हूँ मैं रेडियो बटन, यस या नो का, एग्री, आई एग्री, आई एग्री, ठीक है, आई एग्री करके ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ रेडियो बटन, रेडियो बटन कौन सा, रेडियो बटन में फिर मुझे मल्टीपल चॉइस ये ले लेता हूँ मैं, यस, ठीक है, यस, यस है ना, ये देखो प्रिडिक्ट करके उसने नो ऑलरेडी दिया, यस या नो, तो आपको यस लेना नो लेना ऑलरेडी प्रिडिक्ट होकर आ गया। और अपन एक और चीज़ ले लेते हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल चीज़ ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, रेटिंग, रेटिंग है ना, रेटिंग मतलब कि जो हम लोग नॉर्मली रेटिंग लेते हैं ना, कि कितना आपने, क्या हो गया नेटवर्क इतना स्लो क्यों, एक मिनट, ठीक है, है ना, रेटिंग करा यहाँ पर, रेटिंग मैंने रेटिंग दिया इसको, और रेटिंग के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 1 to 5 जो है ना, लीनियर सिलेक्शन लेते हैं, तो लीनियर सिलेक्शन में हम लोग यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 जो रेटिंग करते हैं ना हम लोग, वो वाला रेटिंग लिया मैंने, जो भी यूज़र सिलेक्ट करना चाहता है वो तो डायरेक्ट इन बिल्ट आता है। और इसके अलावा रेटिंग के बाद आप ले लेते हैं यहाँ पर एक और, हमारे क्या कितने हो गए यहाँ फील्ड, ये सारे एक के बाद एक यूज़ में आ रहे हैं है ना, ये हो गया शॉर्ट आंसर हो गया, हाँ एड्रेस के लिए वो ले लेंगे, डेट टाइम ले लिया है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन ले लो, चेक बॉक्स ग्रिड, ये दो चीजें और मैं इसमें कर देता हूँ, और अपलोड फाइल्स है ना, एक अपलोड फाइल वाला भी ले लेते हैं। चेक बॉक्स से क्या होता है, चेक बॉक्स जो है वो मैंने ऊपर लिया है, अभी आप जब उसका रियल प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चेक बॉक्स मतलब मल्टीपल चॉइस जो रहती है, जैसे दो चीजों को एक साथ अपने सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने हॉबी लिया तो हॉबी में मुझे क्रिकेट भी सिलेक्ट करना है और बुक रीडिंग भी मेरी हॉबी है, तो दोनों को सिलेक्ट करना, तो उसको बोलते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। ऐसे ही हम जैसे यहाँ पर हम लोग फाइल अपलोड वाला ले रहे हैं कि मुझे एक फाइल अपलोड भी करवाना है, तो फाइल अपलोड क्या करवाना है, जैसे हम लोग सपोज करो कि मुझे असाइनमेंट अपलोड करवाना है, या वो जो पेमेंट रिसिप्ट रहती है, मैं पेमेंट रिसिप्ट अपलोड करवाता हूँ, पेमेंट रिसिप्ट है ना, ये पेमेंट रिसिप्ट के लिए जो रहता है वो अभी मार्केट में वो सारा चल रहा है कि पेमेंट हो जाए तो है ना, अलाउ स्पेशल टाइप की फाइल 1 to 2 MB, अगर मुझे स्पेशल के ओनली PDF अपलोड कर सकता है तो PDF ही अपलोड कर, इमेज तो इमेज ही कर सकता है ना, इतनी सारी फाइल में से जो भी सिलेक्शन में दूंगा वही फाइल मेरी अपलोड होगी, और यहाँ से 1 to 10 MB, जितना MB आपको लेना है उतना MB की आप फाइल यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। और इसके बाद मैं यहाँ पर, ठीक है, फिर एक होता है एक ग्रिड फील्ड का होता है यहाँ पर,
जो ग्रिड वाला है ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं अपन। डेट टाइम तो टाइम वगैरह लेने के लिए था, है ना। मल्टीपल चॉइस ग्रिड, मल्टीपल चॉइस ग्रिड आजकल ये वाला भी बहुत चल गया, मल्टीपल चॉइस ग्रिड कि आपको कौन से वाले सिलेक्शन करना है ना। तो जैसे इसके लिए अपन यहाँ पर क्या ले, यहाँ पर लेते हैं अपन जैसे रो और कॉलम के अकॉर्डिंग अपने को टेबल बनाना है ना। तो रो रो में, रो और कॉलम में ऐसा कौन सा फील्ड देखा जो मल्टीपल चॉइस के लिए आता है, दो तीन जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ चॉइस चॉइस, ठीक है। फिर अपन इसको बाद में देख लेंगे इसको कैसे करते हैं, रो वन कॉलम वन, रो टू कॉलम टू, ठीक है। और इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पर मैं इसको, अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, प्रीव्यू देख रहा हूँ जस्ट, प्रीव्यू के साथ है, ठीक है। प्रीव्यू देखने के लिए हम लोग यहाँ पर गए और प्रीव्यू देखा हमने, ठीक है। अच्छा, मेरी अभी रिकॉर्ड है तो मैं इसको पहले इसकी सेटिंग में जाकर इसका रिकॉर्ड हटा देता हूँ, कौन सा वाला रिस्पॉन्स। और यहाँ पर जाकर मैंने इसका सेटिंग में गया और सेटिंग में मैंने जाकर इसका शो लिंक, ठीक है, हटाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक। चलो अब अपन क्या करते हैं, ये जो लिंक है मेरी, ये लिंक मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ कंट्रोल सी और आपके चैट बोर्ड पर डाल देता हूँ, तो आप इसको फिल करो, है ना। यहाँ पर डाला मैंने इसको, हाँ ठीक है। फिर अपन देखते हैं डेटा आता है, सॉरी कंट्रोल वी, है ना, ये डाल दिया मैंने, ये आपको भी आ गई। अब आप भी उधर से फिल करो और मैं भी इधर से फिल करता हूँ, फिर देखते हैं डेटा क्या क्या आता। तो मैं यहाँ से फिल किया मैंने विनोद, है ना, 9039745751, ठीक है। और वहाँ से भी आप, ठीक है, आप भी अपना डेटा उधर से फिल करो, फिर ये डेटा हमें कहाँ मिलेगा वो देखते हैं, है ना। यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, कोई इशू नहीं है। कैटेगरी लिख देता हूँ मैं, कैटेगरी में जो भी चाहूँ वो लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये जो आप चेकबॉक्स से पूछ रहे थे ना, जैसे क्रिकेट भी पसंद है मुझे, भी पसंद है। और यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में केवल एक ही सिलेक्शन कर सकते हैं आप किसी एक में, है ना। जो भी आपका कोई ओनली वन सिलेक्शन हो तो ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना है आपको, मल्टीपल सिलेक्शन हो तो आपको चेकबॉक्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मल्टीपल सिलेक्शन है। फिर यहाँ पर देखिए रेडियो बटन, ये रेडियो बटन में क्या है, ड्रॉप डाउन का और रेडियो बटन में डिफरेंस है, दोनों सेम है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। यहाँ भी वन सिलेक्शन रहता है, यहाँ भी वन सिलेक्शन रहता है, किसी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कैटेगरी में आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखेगी, है ना। तो एक से ज़्यादा हो, और अगर हमें बस जस्ट ये शो करना हो, किसी एक को शो करना हो, तो इस तरह से हम लोग क्लिक कर सकते हैं। मतलब जो रेडियो बटन मतलब आपको शो करता है सारी चीज़ें एक साथ, है ना। यहाँ से रेटिंग करना है मुझे, मैंने रेटिंग किया इसको 3, ठीक है। उसके बाद एड फाइल, ये यहाँ से गया और हमारे यहाँ पर मैं इसमें जाता हूँ, कहाँ पर, ड्राइव में, है ना। तो मेरा जो ड्राइव है, मेरा ड्राइव में जाऊँ या मैं कंप्यूटर से अपलोड कर देता हूँ, यहाँ से सिस्टम से अपलोड कर देता हूँ मैं। तो सिस्टम पे गया मैं और मैंने यहाँ पर गया, मैं डेस्कटॉप पर कोई फाइल होगी तो मैं बिल्कुल अपलोड कर देता हूँ उसको। तो मैंने यहाँ से फाइल लिया और इमेज PNG, ठीक है। यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पर हेल्प करके एक फाइल रखी है, ठीक है। इस हेल्प वाली फाइल को मैं अपलोड कर देता हूँ, हेल्प, ओके, ठीक। ये मैंने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये अपलोड हो गई ये फाइल, ठीक। यहाँ पर अपलोड होने के बाद ये आ गई, ये हो गया, ठीक है। ये चॉइस, ये मुझे जो भी मल्टीपल सिलेक्शन करना है, जैसे सपोज करो मल्टीपल टू चॉइस रहती है, तो जैसे ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट, जो भी मल्टीपल चॉइस रहती है जैसे हम लोग उसमें करते हैं ना, यहाँ पर और अच्छा आपको ये, चलो एक बार इसको सबमिट कर देते फिर आगे देखते अपन। ये मैंने सबमिट किया, ठीक है। अब इसमें हम मल्टीपल चॉइस वाला एक बार और देख लेते हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा इसमें ये वाला क्यूज, ठीक है। यहाँ पर क्यूज में देख लेते हैं, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस इस टाइप से बनाते हैं आप लोग कि जैसे सपोज करो आप किसी चीज को रेटिंग कर रहे हैं, रेटिंग कर रहे हैं मतलब क्लास कंटेंट, क्लास कंटेंट को दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर दिया मैंने कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर रेट कर रहा हूँ मैं 1-2 जो रेटिंग करते हैं, यहाँ पर दे रहा हूँ मैं
पीपीटी प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं असाइनमेंट, ये जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आप लोग से फॉर्म में देखी होगी है ना, ये किसका है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज। कहाँ से आ रही है आवाज? रॉकी, नीलेश, रॉकी अपना म्यूट करो ये इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं ये, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक चीज और आपने देखी होगी, अगर कुछ फील्ड है, जैसे सपोज करो मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पर वापस से रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको, ये देख रहा हूँ है ना, तो ये जो फील्ड है, मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला था, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं था, यहाँ ईमेल चाहूँ तो डालू नहीं डालू है ना, यहाँ कैटेगरी, लेकिन कैटेगरी डालना जरूरी है। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट सबमिट करता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ, तो ये एरर देगा। एरर वहाँ पर क्यों दिया उसने? एरर यहाँ पर इसलिए दिया कि पहले आप नाम, ये जितने भी जहाँ जहाँ स्टार लगा वो रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड फील्ड है, तो आपको ये सब रिस्ट्रिक्शन है, तो ये ध्यान रखिएगा ये चीज। अब आपने जो डेटा फिल करा, अभी मैंने डेटा फिल किया आपके सामने, और एक और किसी स्टूडेंट ने फिल किया होगा, तो हम देख लेते हैं दोनों का डेटा कहाँ है। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर रिस्पांस में जाएंगे, यहाँ रिस्पांस में दोनों का आ गया है ना, तो ये हम, ये हमारे दोनों का डेटा जो हम लोगों ने फिल किया, इसकी सेम हमारी जो एक्सेल फाइल है वो यहाँ पर जनरेट हो जाती है। क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेल में डेटा मिल जाता है, ठीक है, ये क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, तो यहाँ पर आपको डेटा मिल गया, ये हम लोगों ने डेटा फिट किया 12:26 पर, 28 सेकंड पर, 12:26 36 सेकंड पर, ये पूरा डेटा फिल किया हम लोगों ने, हमारी कैटेगरी डाल दी, सारी चीज़ें करी है ना। उसके बाद जो जो हम लोगों ने फिल किया वो चीज़ें आ गई, जो हमने फिल नहीं किया वो चीज़ें रह गई यहाँ पर, जो रिस्ट्रिक्ट था वो चीज़ें आ गई यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा है ना ड्राइव। अब ये यहाँ पर जैसे मैंने जो पिक्चर अपलोड किया था, मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे वो जो हेल्प वाली है, जो भी लिंक है, जो मैंने पिक्चर अपलोड किया वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगा मुझे, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है, ये वाला, ये पिक्चर मैंने अपलोड किया था हेल्प वाला, तो ये पिक्चर मुझे मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हुआ सिंपल चीज। अब इसी गूगल फॉर्म में थोड़ा सा लुक एंड फिल होना चाहिए, मतलब लुक एंड फिल मतलब जो दिखता है वो बिकता है, मार्केट का सीधा सा रूल है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गए, यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, जो भी हमें थीम सिलेक्ट करना है, मुझे बैकग्राउंड कलर ये अच्छा लगता है तो मैं ये रख सकता हूँ, ये अच्छा लगता है, ये मतलब ऐसा होना चाहिए कि आंखों को चुभे नहीं सामने वालों को, ये रखना है तो ये रख लिया। फिर मैंने यहाँ से थीम इमेज, जो ऊपर जो इमेज आती है उसको सिलेक्ट करना है, तो इतनी सारी ऑलरेडी दी है, या आपकी खुद की अपनी बनाई हुई इमेज हो तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप रख सकते हो है ना। जैसे मैंने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ली, तो इन्फॉर्मेशन ली तो स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली, तो यहाँ पर देख लेता हूँ मैं कौन सी चीज़ मेरे इससे सुटेबल है, ठीक है। तो मैं जस्ट किट्स में चला गया, जस्ट किट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वाला नहीं जम रहा मुझे, मैं यहाँ भी नहीं जम रहा, मुझे ये भी नहीं जम रहा मुझे, ठीक है, स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई चीज़ अगर मुझे मिलती है तो मैं वर्क एंड स्कूल में गया, वर्क और स्कूल में मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये रख सकता हूँ, मैं इसको रख दिया मैंने बुक को है ना, इंसर्ट, ठीक, ये हुआ। अब हम उसको देखेंगे कि वो कहाँ पर आया है, तो यहाँ पर देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश किया, ठीक है, ये आ गई, ठीक है, ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है थोड़ा फॉर्म कंपेयर टू प्रीवियस। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये गूगल फॉर्म बनाते हैं, और जो भी हमारा क्वेश्चन आंसरिंग रहता है उसमें भी सिंपल सा रहता है। अभी जैसे हम लोगों ने गूगल फॉर्म नॉर्मल बनाया कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, अब सेम चीज़ हमें बनाना है क्वेश्चन आंसर के लिए, कि जिसमें ऑटोमेटिक रेटिंग हो जाए, तो वो चीज़ भी हो जाती है यहाँ पर रेटिंग। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन आंसर वाला जो है ब्लैंक फॉर्म, इसको लीजिए ब्लैंक क्यूज है ना, इसको ब्लैंक क्यूज को क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ डाला क्यूज कंपटीशन, डाला मैंने क्यूज कंपटीशन, ठीक है, क्यूज कंपटीशन डाला, तो यहाँ पर भी मैं इसको सेम नाम डाल देता हूँ, कंट्रोल सी देन कंट्रोल पी, ठीक है, क्यूज कंपटीशन के नाम से हो गया। फिर सेम चीज, सिंपल सा नेम ले लो यहाँ पर है ना, वही सिंपल सिंगल चॉइस ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
जो भी लेना आपको मोबाइल नंबर ले लो और कोई क्यूज स्टार्ट कर दो, ये करा और उसके बाद सीधा हमारा क्यूज स्टार्ट हो गया यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट वाला जो है इसको, हाँ देखिए इसमें भी अंतर बताता हूँ, शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ में ये कि अगर आपको किसी का एड्रेस लेना हो है ना, वो हमारा पैराग्राफ रह गया था वहाँ पर, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस वाला फील्ड लिया, तो इसको हमेशा एड्रेस को हम लोग लेते हैं पैराग्राफ, ताकि वो देखो ऑटोमेटिक उसने डिटेक्ट कर लिया, पैराग्राफ ले लिया उसने, ठीक है। अब उसके बाद हम क्यूज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कॉलेज, है ना, ठीक है। यहाँ पर दिया मैंने, यहाँ दे दिया इसको मल्टीपल चॉइस दे दिया, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस में ले लिया मैंने एस यू आई, जे एम सी, एस यू बी, नन ऑफ अबू। और नन ऑफ अबू करने के बाद मैंने क्या करा इसको, इसमें इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने, एक मिनट कुछ मैसेज है, वन मिनट, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, यहाँ पर ये क्वेश्चन कर दिया और मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया, रिमार्क कर दिया कि सही आंसर ये वाला है, ठीक है। इसको मैंने मार्क दे दिया, 5 मार्क्स कर दिया, ठीक है, और इसको डन कर दिया, ठीक। अब सेकंड एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, व्हाट इज द नेम ऑफ योर डिपार्टमेंट, है ना। ऐसे जो अपने को क्वेश्चन लेना वो ले लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया मैंने मल्टीपल चॉइस में, बस दो क्वेश्चन लेकर अपन रेटिंग कर देंगे उसकी। तो यहाँ पर ले रहा हूँ मैं मल्टीपल चॉइस, और मल्टीपल चॉइस में मैंने लिया जे एम सी, सी ए सी, एग्रीकल्चर, है ना, और मैं ले दिया मैंने लॉ, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, फार्मेसी, कोई इशू नहीं, जितना लेना है ले सकते हैं। यहाँ पर अपन ने किया एंसरिंग कर दिया, एंसरिंग में 5 मार्क्स दूंगा मैं उसको, जो सही मार्क्स भरेगा, ठीक है। तो मैंने इसको जेएमसी को कर दिया सही, और यहाँ पर मैंने इसको डन कर दिया, ठीक है। देन इसको भी मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको, मैंने 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर बनाया, अब मैं इस क्वेश्चन पेपर को इसकी लुक एंड फील देने के साथ मैं इसको शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट को, तो मुझे मार्क्स कैलकुलेट करना है ना। ऐसे 10 क्वेश्चन ले लो, 20 ले लो, जितना आपको लेना उतना क्वेश्चन ले लिया आपने। तो यहाँ पर मैंने इसको ये दे दिया, इंसर्ट कर दिया, और साथ में इसकी सेटिंग भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। टोटल पॉइंट 10 आना चाहिए ना, इसको कितना आ रहा है टोटल पॉइंट, ये कितने नंबर का दिया अपन ने इसको, अच्छा 5 मार्क्स का ये दिया है, और ये वाला, ये इसमें 0 मार्क्स आ रहा ना, ये यहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो इसको भी 5 मार्क्स कर देता हूँ मैं, 5 मार्क्स डन। तो टोटल पॉइंट देखिए यहाँ पर आ गया 10 पॉइंट। ऐसे जितना पॉइंट करना उतने पॉइंट आप कर सकते हो, है ना। अब 5 में से कितना स्कोर करता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये इतना चीज़ हो गया यहाँ पर, हाँ रिस्पॉन्स में सेटिंग देख लो एक बार, सेटिंग में क्या चेंजेस करना है अपने को। तो सेटिंग में गए, यहाँ पर लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स है ना, तो अगर आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया तो वो एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकता है, लेकिन मुझे तो ये है कि एक ईमेल आईडी से केवल एक बार फिल करे वो, तो मैंने यहाँ लिमिट 1 रिस्पॉन्स कर दिया, तो वो एक ईमेल से एक बार ही फिल होगा, ठीक है। ये दूसरा, एडिट आफ्टर सबमिशन रखना है क्या, तो अगर रखना है तो आप वो सामने वाले को एडिट की परमिशन रहेगी, नहीं रखना है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कलेक्ट ईमेल तो कोई जरूरी नहीं, ईमेल तो वैसे भी हम ले रहे हैं, और अगर आप ईमेल एड्रेस वाला वहाँ नहीं लेते तो फिर कलेक्ट ईमेल में क्या रहता है कि वो खुद यूजर से बिना ईमेल लॉगिन किए वो आपका फॉर्म फिल नहीं कर सकता। अभी ये कंडीशन है कि बिना ईमेल लॉगिन किए आपका फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्यूज में आपको इमीडिएटली दिखाना है क्या, इमीडिएटली अगर दिखाना है ठीक है, आफ्टर सम टाइम दिखाना तो ठीक है, अगर इमीडिएटली दिखाना तो यहाँ पर टिक करके रखिए, या बाद में कभी आपको अलग से जो अपना क्या बोलते हैं मैनुअल करना है तो उसके लिए अलग रखिए, तो अपन इमीडिएटली दिखा देते हैं, है ना।
मिस क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन, पॉइंट वैल्यू, ये दिखाना है तो आप इस पर टिक रखिए, नहीं दिखाना है तो हटा दीजिए। तो हम लोग रखते हैं कि ठीक है चलो एक बार देख लेते हैं इसको भी सेव करके क्या आता है रिजल्ट। ये यहाँ से मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको जाता हूँ फॉर्म फिल करने पर। फॉर्म फिल करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जस्ट फिल कर देता हूँ ईमेल एड्रेस वगैरह, विनोद सहज इंदौर एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, है ना। यहाँ पर डाल दिया मैंने विनोद, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे मोबाइल नंबर वगैरह छोड़ दिया मैंने, कोई इसमें एस्ट्रिक नहीं लगाया इसलिए छोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है। यहाँ पर मुझे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कॉलेज, तो मैंने करा SUI, ठीक है, और व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर डिपार्टमेंट, है ना, मैंने करा CSE, ठीक है, और मैंने इसको सबमिट। इन्हीं के घर में तारक मेहता चलते रहता है ना, तुम कितना बोलती हो ना। हेलो अब हेलो सर, हाँ सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से सबमिट किया मैंने, और सबमिट करने के बाद अब आप इसका देखेंगे व्यू स्कोर, है ना, व्यू स्कोर पर जाकर देखेंगे तो व्यू स्कोर में आपको पता चल जाएगा कि आपका, सॉरी, व्यू स्कोर किया मैंने यहाँ पर, ये देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ दिख रहा है मुझे 5 मार्क्स मिले, 5 मार्क्स क्यों मिले मुझे, क्योंकि मेरा ये तो ठीक है, मैंने SUI सिलेक्ट किया था तो ये ठीक है। यहाँ पर मैंने JMC दिया था, है ना, क्योंकि JMC का फॉर्म था तो मैंने JMC, तो देखिए इसने सही आंसर दिखा था कि JMC राइट आंसर है, आपने CS सिलेक्ट किया, रॉन्ग आंसर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोले, बोलिए, हेलो सर, एक बार फिर से बता दीजिए पॉइंट्स कहाँ से, मतलब आप कैसे मार्क्स अलॉट करते हैं। अच्छा ठीक है, कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का रहेगा, ठीक है, तो आप तारक मेहता की जगह अगर ये इसको ध्यान से देखेंगे तो सही होगा वो, ठीक है। देखिए अब अपन कैसे करते हैं, यहाँ पर यहाँ ओके किया, ठीक है, ये मेरा फॉर्म है, दिस इज माई फॉर्म, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है ये यहाँ पर देखिएगा, अब मुझे इसके मार्क्स चेंज करना है या जो भी करना है, मुझे यहाँ पर मार्क्स है तो यहाँ से, यहाँ मैंने आंसर ऐड आंसर फीडबैक पर क्लिक किया और यहाँ पर मुझे करना है मार्क्स, सपोज कीजिए मैंने इसको कर दिया 10, कितना कर दिया मैंने इसको 10, ठीक है, और डन कर दिया, यानी अब मेरा जो क्वेश्चन पेपर है हो गया 15 मार्क्स का, है ना। अगर मुझे इसके भी मार्क्स बढ़ाना है तो यहाँ पर क्लिक किया, सर आ गया, है ना, ठीक है। तो अब मैं इसको वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ, लेकिन मैंने तो रिस्ट्रिक्ट कर रखा उसको, एक ही बार ही सबमिट कर सकता हूँ, तो मैं वापस से ट्राई करता हूँ नेक्स्ट टाइम सबमिट करने की। तो ये देखो, यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, मैं इस ईमेल से ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर चुका हूँ, इसलिए मैं वापस से नहीं कर सकता हूँ, व्यू स्कोर देख सकता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ पर जाकर सेटिंग में देखता हूँ कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, तो उसके लिए भी मुझे सेम चीज़ करना पड़ेगी, और मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, और यहाँ पर देख लेता हूँ मुझे कितने मार्क्स मिले हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो मुझे मिले हैं मार्क्स, ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, उसमें से 10 मार्क्स मिले मुझे, क्यों, क्योंकि मैंने 10 मार्क्स क्योंकि एक सही दिया था और ये रॉन्ग आंसर दिया था। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आप रिजल्ट कर सकते हैं, ये रिजल्ट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो व्यक्ति है वो, जैसे अभी हो रहा है 1240, है ना, 1240, ये 1241 के बाद ये रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, इमीजिएटली मैं बंद करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, जैसे सपोज करो, पहले तो मैं आपको इसकी लिंक शेयर कर देता हूँ, यहाँ से मैंने लिंक शेयर की, आपको चैटबोर्ड में डाल देता हूँ, वेयर इज चैटबोर्ड, दिस वन, ओके, देखिए यहाँ पर मैंने ये डाल दी, है ना, मैं आपको ये लिंक डालिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ टाइम, 2 मिनट के अंदर आपने फिल कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ये लिंक क्लोज हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको कितना टाइम दिया, ओनली 2 मिनट, यानी 1241 हो गया, 1242 पर ये लिंक क्लोज हो जाएगी। अब आप डाल दीजिए, जैसे 1242 हुआ और मैं इसको क्लोज कर दूंगा, तो आप इमीडिएट इफेक्ट देखिएगा, उसके बाद फिर फिल करने की कोशिश करेगा उसको। तो ये यहाँ पर मैं तो एक बार ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको, कि जैसे ही होता है 1 मिनट का वेट करता हूँ, 1 मिनट बाद में इसको यहाँ से रिस्पॉन्स लेना बंद कर दूंगा, ठीक है। वैसा ऑटोमेट भी होता है, लेकिन उसके लिए सेटिंग करना पड़ता, प्लगइन वगैरह डालना पड़ता है, तो ऑटोमेट भी टाइम सेट करके आप कर सकते हैं, है ना। मैं मैनुअल बता रहा हूँ, कि मैनुअल की मैंने इसको 2 मिनट के लिए डाला और 2 मिनट के बाद मुझे इसको क्या करना है, बंद करना है, कि फॉर्म इन्फॉर्मेशन नहीं लिया, अभी तक किसी ने फिल नहीं किया। अगर 2:12 सर आपकी वॉइस बहुत कट हो रही, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको मैंने जो लिंक डाली है उस लिंक में फॉर्म फिल करिए, मैं उसको 12:42 पर बंद कर दूंगा, मतलब 1242 होगा और वो फॉर्म अपना एक्सेप्टेंस लेना बंद कर देगा। अभी जो मैंने लिंक डाली, अगर 1242 से पहले आपने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन फिट कर दी, जो अभी सेकंड लिंक डाली, तो ठीक है, नहीं तो वो इन्फॉर्मेशन लेना फिल बंद कर दे। अभी 1242 हो गया है और मैंने यहाँ से एक्सेप्टेंस रिस्पॉन्स लेना इसको बंद कर दिया।
अब ये नहीं लेगा, अब आपको ये जो लिंक है जो मैंने आपको लिंक शेयर की उस पर क्लिक करके देखिए क्या आ रहा है मैसेज, क्लिक कीजिए उस पर, कोई मैसेज आ रहा है उस पर? क्या मैसेज आ रहा है सर? वो जो लिंक आई उसमें आपका फिल हुआ दिखा रहा है, उसमें फिल करने का नहीं आ रहा है ऑप्शन हमारे। नहीं अब कौन सा वाला, ये लिंक की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला लिंक, इस लिंक सर ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना सर, ये वाला, यही चीज आ रही है हमारे ये में। दिख रहा है तो एक नहीं नहीं जो आप जो आपने जो फिल किया है पूरा अपना, ये वाला, एक मिनट रुकिए, ये सही आ रहा है। मैं पहले इसका रिस्ट्रिक्शन हटा देता हूँ, यहाँ से सेटिंग में गए, वो सेटिंग में जाकर लिमिट वन रिस्पॉन्स हटा देता हूँ, तो मुझे सेव कलेक्ट टेबल भी हटा देता हूँ ताकि वो मेरा ऊपर का भी चीज़ हटा देगा, सेव। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ से व्यू और अब कंट्रोल सी, ओके ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर डालता हूँ चैट में, और चैट में डाल के ये किया मैंने, अभी जो मैंने फॉर्म आपको शेयर किया है, अभी जस्ट एक फॉर्म शेयर किया है, इस फॉर्म को फिल करो, इसको फिल करो, अभी क्या रहा है? ट्वेल्व फोर्टी फाइव से पहले फिल कर लेना इसको, है ना, फिर बता रहा हूँ मैं, 12:45 से पहले, अभी ऐसा फॉर्म खुल के आ रहा होगा आपको, इस टाइप से ऐसा ये आ रहा है क्या खुल के? हेलो अभी क्या आ रहा है फॉर्म आपको? आया, ठीक है, अब देखिए, अब कुछ लोगों ने फिल कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको तुरंत इसका रिस्पॉन्स बंद कर रहा हूँ, अब मुझे और एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, अब आप मुझे शेयर करके दे देना ये मैंने करा है अब, ठीक है, अब जिसने कर दिया सो कर दिया, अब बाकी का दूसरा जना सबमिट करके देखो। ठीक है, अभी मैं रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया है वो इतने लोगों का रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है, इतने लोगों ने कर दिया, अब बाकी के जो लोग हैं वो फिल करके देखो उसको, है ना, इसमें मार्क्स भी आ गए कि 10 मार्क्स, ये 15 to 15 मार्क्स आ गए, ये 5 मार्क्स आ गए, है ना, ये 15 to 15 मार्क्स आ गए, ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट भी बन गया इधर, और अब जो बचे हुए लोग हैं जो कोशिश कर रहे होंगे तो उनका रिस्पांस नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस कर दिया है, अब कोई भी रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉर्म, क्लियर आया समझिए? यहाँ से हम लोग इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे ये दिखा रहा है कि एवरेज पॉइंट कितने आ रहे हैं, ठीक है, ये पूरा डेटा आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ग्राफ फॉर्मेट में देख सकते हो, इसको सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसको कर सकते हो, व्यू देख सकते हो इसका, थीम चेंज कर सकते हो, है ना, सेटिंग कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है जिसको आप लोग यूज़ करें, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ करने के बाद अब देखिए यहाँ पर किसी का कुछ मैसेज रखा है, अब ये जिसने भी फॉर्म फिल किया होगा ना तो उसको रिस्पांस नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने तो बंद ही कर दिया ना, नॉट एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, तो मैंने 12:45 के बाद का बंद कर दिया था, क्लियर? ठीक है, आया ये समझ में किस तरह से बनाते हैं हम लोग? बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको आप यूज yes, करें, क्योंकि ये आपको बहुत काम में आएगा, जब भी आपको किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो गूगल फॉर्म बना दीजिए, है ना, और उसको ऐसे एक्सेल में, अच्छा यहाँ से एक्सेल फॉर्म आया, मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, यहाँ गया फाइल में, यहाँ से मैं मेल भी कर सकता हूँ, डाउनलोड भी कर सकता हूँ, यहाँ से डाउनलोड एज ए एक्सेल करना है, डाउनलोड एज ए पीडीएफ करना है, है ना, जो भी करना हो यहाँ से आप कर सकते हो, तो मैं डाउनलोड एज ए एक्सेल करूँगा तो मेरे सिस्टम में आ जाएगा, डाउनलोड एज ए पीडीएफ करूँगा, या मुझे डायरेक्ट सीधा मेल करना है तो मैं यहाँ से ईमेल कर सकता हूँ, ईमेल दिस फाइल, ये ईमेल दिस फाइल करा, और डायरेक्ट मैं यहाँ से एड्रेस लिख कर मेल कर सकता हूँ, यहाँ से मैं जिसका भी एड्रेस लिखूंगा उसको सीधा चला जाएगा पूरी फाइल एज इट, है ना, जैसे सपोज करो मैंने ये करा, ये मेल किया अक्यूज, और ये पीडीएफ एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया, तो मैंने यहाँ से शेयर किया, ठीक है, ये सेंड करा, अब देखते हैं अपन सामने वाले को मेल गया कि नहीं गया, तो मैं यहाँ पर मेल चेक कर लेता हूँ मेरा, तो मैंने यहाँ पर मेल चेक किया,
यहाँ से मैं मेल चेक कर रहा हूँ, ये वाला ये ईमेल था मेरा, तो इस ईमेल में जाकर मैं लॉगिन करता हूँ और चेक कर लेता हूँ मेल गया कि नहीं गया। ठीक है, यहाँ पर मेल चेक किया, डोंट सेव, और पासवर्ड इज मिसिंग, बहुत टाइम हो गया उसको ओपन किया। ठीक है, यहाँ पर और ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मेल आया क्या, पीडीएफ फॉर्मेट सेट क्या था, एक्सेल से मैं डायरेक्ट पीडीएफ, ये देखिए ये यहाँ से आ गया और ये क्विज कंपटीशन ये करके पूरा पीडीएफ में आ गया। पीडीएफ देख लेते अपन क्या आ गया, पीडीएफ में रिजल्ट जो था मेरा वो रिजल्ट बन के आ गया मुझे, मैं देख लेता हूँ पीडीएफ में मुझे क्या मिला। एक्सेल में भी कर सकता हूँ, पीडीएफ में भी कर सकता हूँ, तो मैंने पीडीएफ शेयर किया था, ये पीडीएफ, ये पीडीएफ, ये पूरा रिजल्ट आ गया, ये पूरा बनाओ मार्क्स वगैरह नाम वगैरह जो जो उसमें फील्ड थे वो सारे फील्ड पीडीएफ में मिल जाएगा, इतना सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि हम जिसने भी फीडबैक फॉर्म भरा है उसको सर्टिफिकेट शेयर करेंगे, क्या करेंगे अपन उसको ऑनलाइन सर्टिफिकेट शेयर, जिस जिसने फॉर्म फिल किया ना वो जिसे फॉर्म फिल करोगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा।